अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक स्कॉलरशिप के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अभी अभी HEC की तरफ से अनाउंसमेंट हुई है। जिसकी स्कॉलरशिप बहुत बड़ी स्कॉलरशिप है, इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट मिलेगी और इसका फंड भी बहुत ज़्यादा है। तो इस स्कॉलरशिप के बारे में मैंने आपको इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के बारे में बताना है कि ये स्कॉलरशिप जो है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके अंदर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, उसके अलावा सिलेक्शन कैसे होगी, अप्लाई आपने कैसे करना है और टेस्ट में अप्लाई करने के स्कॉलरशिप में अप्लाई करने की लास्ट डेट कौन सी है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। तो अब हम चलते हैं स्कॉलरशिप के बारे में, मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखिए, ये स्कॉलरशिप है, इसका टाइटल यहाँ लिखा गया है, अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स ऑफ गिलगत बल्तिस्तान। मतलब गिलगत बल्तिस्तान के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कोई स्टूडेंट अगर पंजाब में पढ़ रहा है या सिंध में पढ़ रहा है, जहाँ भी पढ़ रहा है, गिलगत बल्तिस्तान का ऐसा स्टूडेंट, तो वो स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब नीचे बताया गया, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम गिलगत बल्तिस्तान हु अटेंड टू। यहाँ पर नीचे बताया गया कि ऐसे स्टूडेंट्स जो गिलगत बल्तिस्तान से बिलोंग करते हैं और किसी भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में जिन्होंने एडमिशन लिया हुआ है 4 साल प्रोग्राम या 5 साल BS प्रोग्राम में, तो वो इस स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये जो स्कॉलरशिप है ये 2021-22 साल के लिए है। और ये जो स्कॉलरशिप है यहाँ पर बताया भी गया है, ये अभी अभी स्कॉलरशिप शुरू हुई है तो ये बैच 1 है, मतलब ये फेज 1 है बड़ा। आगे चलते हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पर नीचे बता रहा है, जो एप्लीकेंट है उसका जो डोमिसेल है वो गिलगत बल्तिस्तान का होना चाहिए। मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जिनका डोमिसेल गिलगत बल्तिस्तान का है वो इस स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आगे है, जो एप्लीकेंट है उसका इंटर क्लियर होना चाहिए, जो FSC है वो क्लियर होनी चाहिए। मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने FSC गिलगत बल्तिस्तान से क्लियर की है तो वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, या ऐसे स्टूडेंट जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा स्टूडेंट जो कोई और अगर स्कॉलरशिप ले रहा है किसी और HEC की तरफ से या यूनिवर्सिटी की तरफ से या किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो वो इस स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई नहीं कर सकता। उसके बाद ये भी बताया गया है कि जो एप्लीकेंट है वो किसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में स्टडी करता हो उसके लिए लाजमी है। उसके अलावा जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 22 साल है, 22 साल के ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी एज 22 साल से ज़्यादा है वो इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। और नीचे ये भी बताया गया, जो कैंडिडेट है वो HEC की रिक्वायरमेंट को मीट करता हो या यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट को मीट करता हो एडमिशन के लिए। आगे आपको इंपॉर्टेंट नोट में बताया गया कि जो कैंडिडेट्स हैं उनकी सिलेक्शन कैसे होगी। जो कैंडिडेट्स हैं उनकी सिलेक्शन होगी टेस्ट में, टेस्ट होगा इनका एक एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल HEC की तरफ से कंडक्ट होगा। और जो इस टेस्ट के अंदर जिसके ज़्यादा अच्छे नंबर होंगे और उसके अलावा जो उसकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ होंगी, जो उसके प्रीवियस रिकॉर्ड होंगे एजुकेशन के, उस बेस पर इस कैंडिडेट की सिलेक्शन होगी इसमें स्कॉलरशिप के अंदर। और जो टेस्ट है उसके अंदर 50% मार्क्स का होना लाजमी है। 50% से जिनके कम मार्क्स हैं वो तो फेल कंसिडर होंगे, जिनके 50% से ज़्यादा होंगे उनको आगे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और ऐसे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी BS प्रोग्राम के अंदर स्टडी कर रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर वाले और सेकेंड सेमेस्टर वाले, तो वो इस स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो स्कॉलरशिप है ये आपको किस बेस पे दी जाएगी, सिलेक्शन किस बेस पे होगी, ये सिर्फ जो टेस्ट के नंबर हैं और जो आपकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं, जो आपके प्रीवियस रिकॉर्ड्स हैं, उन बेस पे होंगे, ना कि ये जेंडर की बेस पे होंगे या कास्ट की बेस पे या ना फिर मज़हब की बेस पे। ये जो आपकी सिलेक्शन होनी है ये सिर्फ आपके टेस्ट के नंबरों की बेस पे होनी है। और अगर आप लोग मज़ीद डिटेल लेना चाहते हैं तो ये नीचे आपको www.HEC.government.pk आपको लिंक दिया गया, आप इस लिंक को विजिट करें और वहाँ पर आपको मज़ीद डिटेल भी मिल जाएगी। अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि ये जो स्कॉलरशिप है ये स्कॉलरशिप क्या क्या कवर करेगा। एक तो इसके अंदर आपको ट्यूशन फ़ी मिलेगी, ये ट्यूशन फ़ी होती है यूनिवर्सिटी की फ़ी। उसके बाद आपको हॉस्टल की फ़ी भी मिलेगी अगर आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं। उसके अलावा अदर चार्जेस, कुछ और चार्जेस भी आपको मिलेंगे। तो वो ओवरऑल नीचे बता रहा है, जो मैक्सिमम है 1 साल का वो आपको 2,40,000 मिलेगा 1 साल का मैक्सिमम। नीचे फिर आपको बता रहे हैं कि पर मंथ आपको स्टिपेंड भी मिलेगा 15,000। मतलब आपने कोई खाना वगैरह खाना है, हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपको रहने के लिए 15,000 पर मंथ मिलेगा।
उसके अलावा जो बुक्स हैं या जो ट्रैवलिंग है उसके लिए भी आपको 30,000 पर एनम मिलेगा, मतलब 30,000 एक साल का मिलेगा। अब आपने स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई कैसे करना है, तो ये आपको एक लिंक दिया गया है, eportal.hec.government.pk। इस लिंक को ओपन करना है आप लोगों ने, गूगल पे जाके इस लिंक को ओपन करना है। इस लिंक को ओपन करने के बाद आप लोगों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन अपनी सबमिट करवानी है, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। उसके अलावा नीचे ये भी बताया गया, जो HEC है उसके पास इतना राइट है कि वो स्कॉलरशिप को पोस्टपोन कर दे या फिर कैंसिल कर दे किसी भी रीज़न के बगैर, मतलब रीज़न का बताना ज़रूरी नहीं है, वो बगैर रीज़न के इसको पोस्टपोन भी कर सकती है और कैंसिल भी कर सकती है। उसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो एप्लीकेशन हार्ड कॉपी में जाके सबमिट करवाते हैं तो वो कंसिडर नहीं होगी, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके अलावा स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई करने की जो फीस है वो 500 रुपये है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। नॉन रिफंडेबल का ये मतलब है अगर आप एक बार फीस जमा करवा देते हैं तो आप उसको रिफंड नहीं करवा सकते बाद में। ये आपने फीस सबमिट कैसे करवानी है, ये नीचे अकाउंट नंबर दिया गया है और हबीब बैंक का ये अकाउंट नंबर है, तो इस बैंक में हबीब बैंक में जाके आप लोगों ने इस अकाउंट नंबर पे आपने 500 रुपये सबमिट करवा देने हैं। और 500 रुपये सबमिट करवाने के बाद जो जो आपको कॉपी मिलेगी, चलान की कॉपी या फिर वोचर की कॉपी, तो उसकी आप लोगों ने कॉपी जो है वो ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर आपने अटैच कर देनी है, वहाँ पे सबमिट कर देनी है कॉपी भी। तो ये इसका प्रोसीजर है अप्लाई करने का। अब इसकी डेडलाइन क्या है, मतलब लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की, जो लास्ट डेट है वो अक्टूबर 25 है 2021, अक्टूबर 25 2021 ये इसकी लास्ट डेट है। और नीचे आपको एक देखें यहाँ पर बताया जा रहा है कि अप्लाई करने के बाद आप लोगों ने अपना ईमेल, जो आप लोग ईमेल देंगे अपना ईमेल जो, और HEC की वेबसाइट को आप लोगों ने रेगुलरली चेक करना है, मतलब जो भी अपडेट आएगी वो आपको यहाँ पर दी जाएगी आपके ईमेल के ज़रिए या फिर HEC की वेबसाइट पर आपको अपडेट दी जाएगी। तो आप लोगों ने अपने ईमेल और HEC की वेबसाइट को बार बार चेक करते रहना है, डेली डेली एक बार लाजमी चेक करें। जो भी आपको टेस्ट के बारे में या रोल नंबर स्लिप के बारे में या सिलेक्शन के बारे में जो भी आपको अपडेट होगी वो आपको ईमेल के ज़रिए या फिर HEC की वेबसाइट पर आपको दे दी जाएगी। तो आप लोगों ने इसको लाजमी देखते रहना है अप्लाई करने के बाद, ईमेल और HEC की वेबसाइट का। और आखिरी बात, अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें।